नमस्ते दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाया फिगर कंप्लीशन। ओके, ध्यान दो। मान लो हमारे पास क्वेश्चन के थ्रू बात करता हूं मैं, ये है मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग। दिस इज अ सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। अच्छा, नाउ ये है हमारा एक्सिस, इसका रेडियस है आर, मास है एम, ठीक है। दिस इज द एक्सिस, ऑब्वियसली बोर्ड के अंदर बाहर। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस, सपोज दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मेरा ये वाला बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये वाला बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, सो अगर मान लो मैं इसमें दूसरा एक बॉडी ड्रॉ करता हूं और बस मैं अपना ओरिएंटेशन को बदल देता हूं लेफ्ट के बदले राइट पे, बाकी एक्सिस तो एज इट इज है, रेडियस आर है, मास एम, और ये वाले एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉजिकली आई ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल है उस पर तो कोई बदलाव नहीं आया है, लेफ्ट पे है या राइट पे है क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक्सिस के अबाउट आई है तो ये वाला एक्सिस के अबाउट भी आई होने वाला है। तो अब अगर मैं लेफ्ट और राइट इन दोनों को जोड़ दूं, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू आई प्लस आई, दैट इज टू आई। बट इट्स अ रिंग। तो ये जो रिंग है इसका मास ध्यान देना कितना हो जाएगा, 2m। सो 2i इज इक्वल्स टू 2m इंटू r स्क्वायर। तो जो हमारा रिक्विजिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया i होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसका जनरलाइज्ड केस के बारे में अगर मैं बात करूं, क्या है मेरे पास, मेरे पास एक आर्क है, ठीक है, इट्स एन आर्क। ये हमारा सेंटर है, रेडियस जो है वो है आर आर, मास जो है वो है हमारा एम। नाउ ये आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है थीटा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा प्लेन के अंदर बाहर वाला एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, नाउ ये वाले पे मैं कंप्लीशन किस तरीके से लगाने वाला हूं उसके बारे में सोचो। दोस्तों, इसको मैं कैसा भी ओरिएंट करूं पूरा 360 में, इट डजंट मैटर, हां कि ना, राइट। मैं इसको कैसा भी ओरिएंट करूं, इट डजंट मैटर। हर केस में इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो हर एक ओरिएंटेशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली आई ही होने वाला है। सो टू कंप्लीट रिंग,
वी नीड टू पाई अपॉन थीटा पीसेस, राइट? समझ में आया? थीटा एंगल वाले ऐसे 2 पाई बाय थीटा पीसेस की रिक्वायरमेंट होगा. इट मे बी एन इंटीजर, इट मे बी एन नॉन इंटीजर, आई डोंट केयर. कुल मिला के मुझे इतना पीसेस चाहिए होंगे ईच ऑफ मास एम एंड रेडियस आर. राइट? सो क्योंकि अगर मैं ये वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं आई माना हूं तो हर एक पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर. तो जो मेरा करस्पॉन्डिंग फाइनल रिंग बनेगा दोस्तों ध्यान देना, इसका जो मास होगा, इसका मास कितना होगा? हर एक टुकड़े का मास एम है तो 2 पाई बाई थीटा पीसेस है तो टोटल मास होगा 2 पाई बाई थीटा इंटू एम. और जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई डैश दैट विल बी आई इंटू 2 पाई बाई थीटा. हर एक पीस का आई है. सो व्हाट आई कैन सिंपली से इज I into 2 pi by theta, 2 pi by theta into m into r square. So I will simply come out to be equals to mr square. A very simple elegant concept. I jo aega that will be simply equals to mr square. We can extend it to the disk. तो लॉजिकली बताओ, अगर हमारे पास ऐसा है सेमी सर्कुलर डिस्क ठीक है जिसका मास है m, रेडियस है आर ठीक है, एक्सिस ऐसा है, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होगा इसके बारे में अगर पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपली दूसरे साइड में भी ये कंप्लीट कर लो तो मेरे पास क्या आएगा via completion. यहां पे अब एक मस्त सा चीज का रियलाइजेशन होगा, अभी तक हो चुका होगा मेरे ख्याल से. We have a disk. This is the axis, diameter is the axis. और इसका मास जो है वो ध्यान देना 2m, ये गलती मत कर देना, इसका मास हो जाएगा 2m, राइट? सो ये अगर हमारा 2m है और ये हमारा अगर r है तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना यहां पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, जो ये 2m है ये r है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका अगर i है तो ये 2i होगा. That 2i will be equals to diameter के बाद कितना होता है 1/4 mr square. m यहां पर 2m है, 1/4 into 2m into r square. So i equals to 1/4 mr square. तो दोस्तों मैंने कितना टुकड़े में डिवाइड कर रहा हूं वो मैटर नहीं करता है, जो डिस्क का होता है वही हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क का भी होता है. लेफ्ट राइट डजंट मैटर. यानी मैं इन जनरल अगर बात करूं मान लो ऐसा है फिगर,
दो हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये दोनों हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। इसका मास है m, इसका भी मास है m, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r। जो हमारा एक्सिस है वो है ये वाला पॉइंट, प्लेन के अंदर बाहर है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई। सो दोस्तों ध्यान दो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे डजंट मैटर, तो सिंपली ये वाला फिगर इक्विवेलेंटली जिसपे कन्वर्ट होगा इसको सीधा फ्लिप करके यहां पे ला दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला फिगर पॉइंट ए यहां पर आ गया है, ये पूरा का पूरा हमें एक डिस्क मिलेगा, ये पूरा का पूरा हमें एक डिस्क मिलेगा, राइट। एंड ये हमारा सेंटर है ऑफ रेडियस आर, मास जो आएगा दैट विल बी 2m। सो दीज टू सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट, यानी मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सिंपली मेरे पास क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सिंपली मेरे पास क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू टू एम इंटू आर स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस टू एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये एम आर स्क्वायर टू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3m into r square। या फिर मान ले काम करो, सुनो, मेरे पास एक राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है, मेरे पास एक राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये है, ये लेंथ है a, ये लेंथ है a, ठीक है, ओके। इसका मास है m, ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा z एक्सिस। फाइंड ix IY and IZ. Find IX, IY and IZ हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा IX किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में एक बार सोचो समझो, दिमाग लगाओ। तो पहला जो हमारा काम रहेगा वो है for IX। What to do, how to do? यहां पर अगर हम थोड़ा सा गौर से ध्यान दें सबसे पहले, सो दोस्तों अगर हम इस फिगर को कंप्लीट करते हैं, ये 90, ये 90, सो हमें यहां पर एक स्क्वायर मिलेगा जो स्क्वायर का साइड लेंथ है a, ये वाला स्क्वायर का साइड लेंथ है a, राइट। तो ये स्क्वायर का साइड लेंथ a है और इसका मास जो है वो हमारा 2m है,
सो अगर इसका आईएक्स है तो ये जो फिगर होगा इसका जो आईएक्स होगा ये डेफिनेटली टू आईएक्स होगा बाय सिमेट्री, राइट। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? ओके, ध्यान देना, कितना होता है? 1/12 एम ए स्क्वायर होता है आई एक्स और आई वाई, 1/12 एम एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। एम की जगह पर यहां पे काम कर रहा है 2m, तो 2ix इज इक्वल्स टू 1/12 2m इंटू ए स्क्वायर, 2 इज गॉन, तो ix आ जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर बाई 12। एंड सिमिलरली फॉर आईजेड, ध्यान देना, अगर ऐसा आईजेड है तो बाय सिमेट्री ये 2 आईजेड होगा, ये हमारा 2 आईजेड होगा, राइट। सो 2 आईजेड इज इक्वल्स टू 1/6 2m इंटू ए स्क्वायर, 2 अगेन गॉन, तो IZ मेरे पास आ जाएगा एम स्क्वायर बाय 6। IZ हो जाएगा 2 एम स्क्वायर बाय 6। एंड उसके बाद सिंपली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, IX प्लस IY इक्वल्स टू IZ, सो IY कितना आ जाएगा IZ दैट इज एम स्क्वायर बाय 6 माइनस एम स्क्वायर बाय 12। वैसे इसमें कंप्लीशन ऑफ फिगर 2IY से भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, IY मेरे पास सिंपली आ जाएगा एम स्क्वायर बाय 12। तो इस तरीके से वाया कंप्लीशन ऑफ फिगर में हम कोई भी चीज को स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ बस ध्यान देना, ओरिएंटेशन डजंट मैटर, ओरिएंटेशन डजंट मैटर, ये है इस कॉन्सेप्ट का मेन जो हमारा प्रिंसिपल मैं लिख ही दे रहा हूं। इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है, ओरिएंटेशन Does not matter। कब तक मैटर नहीं करेगा? अगर बॉडी और एक्सिस के बीच का एंगल ना बदला जाए तो, बॉडी और एक्सिस के बीच में एंगल ना बदला जाए ओरिएंटेशन तब तक मैटर नहीं करेगा। कोई भी आर्क हो या सेक्टर हो उसको हम गोल गोल घुमा सकते हैं, हर पोजीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया परफेक्टली आइडेंटिकल होगा। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे डजंट मैटर, कहीं से भी मैं मोड़ सकता हूं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके okay?